तो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा प्रॉमिस किया था वैसे वीडियोस आपको मिलना शुरू हो रहे हैं मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में, हर दिन शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स और 7 बजे आपको अकाउंटेंसी का वीडियो जैसा प्रॉमिस किया गया है वैसा मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वीकेंड्स हमने रखे हुए हैं हमारे कॉमर्स के लेक्चर्स के ऊपर, तो हर वीक पर हम एक कॉमर्स का चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। सैटरडे कॉमर्स का वीडियो देंगे और आपको संडे को कॉमर्स का वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन एक बात और है, जो बच्चे मेरे साथ बैठकर वन ऑन वन लाइव इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फतेह 2023 कोर्स आपके पास है। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो स्पार्टन्स का कोर्स आपके पास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप एनरोल कर सकते हो। और जिन बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वहां से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जैसे ही चैप्टर खत्म कर रहा हूं वैसे ही उसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं। तो आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आज इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। डिमांड चैप्टर के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर तुमने अभी तक नहीं लिए हैं तो जाकर ले लो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो बॉस बढ़ते हैं आगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बजट लाइन समझते हैं, बजट सेट समझते हैं, फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस समझने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि ये बजट सेट क्या होता है। मेरी जान, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहां पर कोट करके। एग्जांपल क्या है जरा देखो, लेट्स से एक कंज्यूमर के पास इनकम है 200 रुपए की, ठीक है, और वो एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है और वाई कमोडिटी कंज्यूम करता है। एक्स 20 रुपए की आती है और वाई 40 रुपए की आती है। अब मैं इसके थ्रू आपको एक बजट सेट बनाने वाला हूं। लेट से मैंने बोला वाई जो गुड है उसको बोलते हैं क्लोदिंग और जो एक्स गुड है उसको बोल रहे हैं फूड, ठीक है, चल जाएगा। आपके बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। तो चलो यहां पर बना रहे हैं कॉलम यूनिट ऑफ क्लोदिंग, साथ में दूसरा कॉलम बना रहे हैं बच्चा यूनिट ऑफ फूड, और तीसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कितना खर्चा हो रहा है इन द गिवन बजट, वो बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेट्स से मैंने बोला मैंने अब आओ समझते हैं थोड़ा सा आसानी से। मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है, अगर मैं एक भी यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम ना करूं तो मैं कितने यूनिट ऑफ क्लोदिंग कंज्यूम कर सकता हूं। बॉस मेरे पास है 200 रुपए, मुझे अगर सारे क्लोदिंग कंज्यूम करने हैं तो मैं कितने क्लोदिंग कंज्यूम करूंगा, 5 यूनिट्स। अगर मैं 5 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग कंज्यूम करता हूं उस केस में मैं 0 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहा होगा, बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं बचा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस केस में खर्चा कितना हो रहा है, 5 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग खरीदने के लिए इंटू 40, 200 रुपए आपके एग्जॉस्ट हो गए, जितनी इनकम थी उतना खर्चा कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 यूनिट ऑफ क्लोदिंग मैं कंज्यूम करूं, अगर मैं एक भी यूनिट ऑफ क्लोदिंग नहीं ले रहा हूं तो मैं कितना मैक्सिमम फूड कंज्यूम कर सकता हूं, 10, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर 0 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग कंज्यूम किया तो मैं 10 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर सकता हूं। इस केस में खर्चा कितना हो जाएगा, 10 × 20, पूरा 200 रुपए। क्या ये समझ में आया? चलो भाई अब धीरे धीरे बजट सेट बनाना शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं मैंने 4 यूनिट ऑफ क्लोदिंग परचेज किया तो मैं कितने यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर सकता हूं। आओ देखो, अगर मैंने 4 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग परचेज किया है तो 4 × 40 कितना खर्चा हो गया, 160। मेरे पास पैसे कितने बचे, 40 रुपए। 40 रुपए में मैं कितना फूड खरीद सकता हूं, 2 यूनिट, तो यहां लिख दिया 2, 2 × 20 कितना खर्चा हो गया, 40। कोलैबोरेटिवली हमने कितने पैसे एग्जॉस्ट कर दिए, पूरे 200। समझ में आ रहा है सभी को? ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं बजट सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 3 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग परचेज किया तो मैं कितना यूनिट्स ऑफ फूड परचेज कर सकता हूं, 3 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग लेने के लिए मैंने खर्चे कर दिए 120 रुपए, मेरे पास बचे 80, तो मैं कितने कंज्यूम कर लूंगा, 4 कंज्यूम कर सकता हूं कि नहीं भैया, समझ में आ रही है? 4 कैसे आ गया, 4 × 20, 80 रुपीज ये एग्जॉस्ट हो गए, टोटल पैसे खर्च कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं मैंने 2 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग परचेज किया तो 2 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग कितने की आएगी, 80 रुपीज की, बचे कितने पैसे, 120 में मैं फूड कितने खरीद सकता हूं, 6 यूनिट्स।
तो 6 × 20 120। समझ में आ रहे हैं हम बजट सेट कैसे बना रहे हैं। सिमिलरली अगर मैंने एक यूनिट ऑफ क्लोथिंग खरीदा तो 1 × 40 40 रुपीज खर्चा हो गए, बचे 160। अब हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं यहां पर 8 units, तो यहां पर लिख लिया 8 × 20 160। क्या ये बजट सेट बनाना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, क्लियर है, सॉर्टेड है, यहां तक समझ में आ रहा है हमने बजट सेट कैसे बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बजट सेट को बनाने के बाद हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक लाइन बनाने जा रहे हैं। सॉरी, अब आपको इस बजट सेट की हेल्प से मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे बजट लाइन। बहुत ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस यहां पर ले लिया है हम लोगों ने क्लोदिंग, यहां ले लिया क्लोदिंग, यहां ले लिया फूड। मैं एक नॉर्मल सी लाइन बना दे रहा हूं, आप चाहो तो प्लॉट करके भी देख सकते हो। ये इसको हम लोगों ने रख लिया नाम के और एल। ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस लाइन को बोलेंगे बजट लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, बजट लाइन। अब इसमें समझना क्या है हमको, जितना भी पोर्शन बजट लाइन के ऊपर लाए करता है या उसके अंदर लाए करता है, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो ए और बी दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे बजट के अंदर आते हैं, मैं इनको कंज्यूम कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के बाहर आ जाए, लेट्स से ये डी पॉइंट, तो इसे क्या बोलेंगे आप, अनअटेनेबल। मतलब ये विद द गिवन सेट ऑफ इनकम हम इस डी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम नहीं कर पा रहे होंगे। क्लियर है, समझ आ रही है बात यहां तक, एकदम अच्छे से समझ में आया है। लेकिन सर मुझे ये बताओ, अगर मैम ने पूछ लिया बजट लाइन क्या होता है तो मैं क्या लिख कर आऊंगा। भैया मैम की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और क्या लिखकर आएंगे हम, चलो वो भी बताते हैं आपको। तो आओ मेरे साथ साथ नोट करते हैं कि बजट लाइन बॉस होता क्या है। चलो बॉस लिखते, बजट लाइन शोज वेरियस, बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be purchased, which can be purchased। मैं चाहता तो पहले से लिख के रख लेता लेकिन मेरे साथ साथ लिखोगे तो मजा आएगा। with a given budget, with a given budget, at given prices of two commodities, commodity। तो भाई बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज ऑफ टू गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड विद अ गिवन बजट एंड गिवन प्राइसेस। मेरे को गिवन बजट है कि भैया 200 रुपए हैं मेरे पास, और गिवन प्राइसेस है कि भैया एक्स इतने का आता है, वाई इतने का आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को। चलो एक लाइन और लिख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव, इज नेगेटिव ऑफ प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है तो तुम बताओगे नेगेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई। इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल सीयूईटी में होगा, तब मैं वहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा। लेकिन अभी एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न इतना ही है, आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। और अगला टॉपिक जानदार टॉपिक है, पेपर में आपको 5 नंबर यहां से मिल रहा होगा। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच हमें सीखना है, लास्ट टॉपिक है और बेहतरीन। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व किया जाएगा थ्रू आईसी एनालिसिस। और जब भी हमसे पूछा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं मीनिंग। याद रखना हर बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग डिफर करती है अकॉर्डिंग टू अप्रोच दे आस्क। ठीक है, जैसे वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अलग लिखेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में अलग, और आईसी एनालिसिस में हमको थोड़ा सा डिफर कर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when he maximizes
when he maximizes his satisfaction, when he maximizes his satisfaction, given his income and prices of two commodities. And prices of two commodities. ये definition लिखकर आओगे तो भैया आपकी मैडम खुश हो जाने वाली है. Consumer equilibrium कहां पर होता है भैया? Consumer will be in equilibrium when he maximizes his satisfaction given his income. मतलब उसके income के अंदर उसका satisfaction maximum हो रहा है कि नहीं हो रहा है, and prices of two goods जो वो consume कर रहा है उसके through. जब भी हम लिखेंगे meaning, साथ में लिखने वाले हैं हम condition. तो चलो इसकी conditions बहुत बढ़िया हैं. Condition number one, एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब वो रेट जिसमें एक्स सब्सटीट्यूट किया जा रहा है वाई के थ्रू, उसे बोलते हैं पहला कंडीशन एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. अगर ये प्रूव हो गया तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. सेकेंड कंडीशन लिखते हैं आई सी शुड बी convex to the point of origin. और जो IC curve होना चाहिए ना वो convex होना चाहिए towards the point of origin. अब मैं आपको third heading डाल रहा हूं और उसके through समझाने जा रहा हूं. third heading डालेंगे सभी लोग diagram. इस question में अगर ये 5 number का question आया तो 2.5 number का वेटेज सिर्फ डायग्राम का होगा. एक नंबर कंडीशन का, 3.5 हो गए, आधा नंबर मीनिंग का, 4 हो गया, और एक नंबर एक्सप्लेनेशन का. तो याद रखना पूरे क्वेश्चन में 50% वेटेज डायग्राम की होने वाली है. मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना, कमाल का डायग्राम है ये. आओ भाई जल्दी जल्दी से बनाते हैं. ये एक्स एक्सिस 0 और ये रहा वाई. जल्दी जल्दी प्लॉट करो मेरे साथ साथ. टाइम लेकर बना रहे हैं भैया, मेरे साथ साथ प्लॉट करेंगे. यहां लिख लिया यूनिट ऑफ फूड, याद आया अभी बजट लाइन में पढ़ा था. और यहां लिख लिया यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग, ठीक है, यूनिट्स ऑफ फूड और यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग. और यहां पर हम लोगों ने प्लॉट कर ली है एक बजट लाइन. बजट लाइन को लिख देते हैं KL, जो कि हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ था, ठीक है ना भैया. अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर. अब मैं यहां पर 3 इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं. ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक. फिर मैं बना रहा हूं दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC2 और तीसरा इंडिफरेंस कर्व IC3. और IC2 पर इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा क्यों होगा इसी की तो बात समझनी है पूरी. तो चलो भाई मेरे साथ साथ मार्क कर लो. ये पॉइंट है टी और फिर लिखते हैं एम और एन. ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन. मेरे साथ साथ मार्क करते चलो भैया. एक पॉइंट मार्क कर लो ये बी और एक पॉइंट मार्क कर लो ये ए, फिर एक पॉइंट और मार्क करो डी, ठीक है. सब कुछ एक्सप्लेन करते चलेंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्यों है. लेमैन जैसी अगर बात करें, अच्छा इसके बाद अगली हेडिंग एक्सप्लेनेशन होगी और एक्सप्लेनेशन इसका आंसर क्या होना चाहिए अगर आपको ये देखना है तो ऐप डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा इसका आंसर कैसे लिखना है आपको. अब बात सुनेंगे मेरी. मैंने ये बोला मेरे जान कि भैया ये मेरी बजट लाइन है, के एल मेरी बजट लाइन है, तो मेरी जो बजट लाइन पर लाई करेगा या बजट लाइन के जो अंदर लाई करेगा वो तो मेरे बजट में है, लेकिन मेरे बजट के जो बाहर है चाहे वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता हो लेकिन वो मैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकता. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, लेट से IC1, IC2 और IC3 को देखो. इंडिफरेंस कर 1, इंडिफरेंस कर 2, इंडिफरेंस कर 3. इंडिफरेंस कर 1 जो है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बिकॉज हमने पढ़ा है हायर द इंडिफरेंस कर हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन. सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC1 दे रहा है, फिर IC2 दे रहा है, फिर IC3 दे रहा है. अब हमको इन इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन से कंपेयर करना चाहिए. भैया IC1 मेरे बजट में नहीं है तो चाहे जितना भी सेटिस्फैक्शन दे, IC1 हो गई मर्सिडीज, भैया बजट में नहीं है हमारे पास, ठीक है ना. IC2 क्या हो गया, जो आपके बजट में भी है. अब कंपेयर करते हैं IC2 और IC3 के बीच में. कंपेरेटिवली IC2 और IC3 में IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है और हमारे बजट में भी है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व 2 पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा.
अब इंडिफरेंस कर्व कहां पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, इसीलिए इस पॉइंट को अगर हम देखें तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो एक पॉइंट यहां से सेटिस्फेक्शन होता है। और इस लाइन का स्लोप, अब देखो तुमको पढ़ना था ना, क्या हमने क्या बताया था, एम आर एस क्या होता है, एम आर एस क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, एम आर एस क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, और px अपॉन py क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है ना भैया। तो ये बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पर बराबर है, इसलिए वाला पॉइंट जो एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू px अपॉन py है यहां पर सेटिस्फाई होता है, मतलब दोनों कंडीशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाई होती है, इसलिए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट टी, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर बीइंग सेटिस्फाइड। आगे बात करते हैं, पॉइंट ए और बी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट हमें लेस सेटिस्फैक्शन देते हैं एज कंपेयर टू टी पॉइंट। डी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, डी हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है लेकिन हमारे बजट के अंदर नहीं है, इसलिए डी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, हम लोगों ने कैसे पढ़ा है यहां तक। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख कर आएंगे, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आप डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाएगा, देख लो कि कैसे इसका आंसर लिखा जाता है। अब जाकर हुआ है ये चैप्टर खत्म, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे ऑन मंडे, ठीक है ना, मंडे को हम नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे और चैप्टर का नाम होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा अगर आप ये वीडियो अपने क्लासमेट से शेयर करेंगे, तो जितने ज़्यादा व्यूज होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो मुझे लगेगा कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं और फ्रीक्वेंसी से जल्दी जल्दी आपके लिए बनाना शुरू कर दूंगा। तो दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।